नमस्कार। एंडोक्राइनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड में ओवरी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो एक बार पुनः अपनी बात शुरू करते हैं ओवरीज एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओवरीज, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बेसिकली फीमेल गोनेड्स हैं जिन्हें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं ये फीमेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द एडल्ट फीमेल जो है वो भी इन हार्मोन के प्रभाव से ही नियंत्रित होते हैं। ओवरीज सामान्यतः अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने रिस्पॉन्सेस को जिन हार्मोन्स के प्रभाव से संपादित करती हैं उन हार्मोन्स को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहा जाता है। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सिक्रीट होने वाले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स बेसिकली ओवेरियन फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर एक और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म काम करता है, और वो है हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल से सिक्रीट होने वाले कुछ केमिकल्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजे जाते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले ट्रोपिन हार्मोन्स ओवरी की एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ओवरी का मेजर फंक्शन एग या ओसाइट प्रोडक्शन और उस मैच्योर ओसाइट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करना होता है, और ये फंक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और ये साइक्लिक प्रोसेस जो होता है इसे फीमेल सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। ओवरी के द्वारा दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन जो संपादित होता है वो है फीमेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। फीमेल हार्मोन्स जो ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस और सिक्रीट किए जाते हैं उन हार्मोन्स को ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। और ये दो मेन फंक्शंस हैं जो कि फीमेल ओवरीज जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होने के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। ओवरी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ चीज़ों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे, उसके बाद हम ईस्टर साइकिल की ओर आगे बढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये शब्द मुख्य रूप से लेटिन भाषा के शब्द मेनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है महीना, ल्यूनर मंथ से होता है। मैमल्स में, फीमेल्स में ये साइकिल 28 दिन का होता है, और एस्ट्रस चक्र जो है इसे रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। डेज वेरी भी कर सकते हैं, 24 से लेकर 35 डेज की रेंज में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये परफॉर्म की जाती है। इस पूरे साइकिल के अंदर ओवेरियन साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। ये इवेंट्स जो हैं वो ना केवल ओवरी में बल्कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट यूट्रस में भी कई सारी घटनाओं को यहाँ पर संपादित कराते हैं। इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले चेंजेस को सुविधा की दृष्टि से अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज जो है इसे प्रचुरोद भवन प्रावस्था या प्रोलीफेरेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेकंड फेज ओविलेटरी फेज या डिम्बोत्सर्ग प्रावस्था, थर्ड फेज सिक्रीटरी फेज, श्रवण प्रावस्था होता है, और
फोर्थ फेज जो है उसे मेंस्ट्रुअल फेज या रक्त श्रावण प्रारंभता के नाम से जाना जाता है। तो पहला फेज प्रोलिफरेटिव फेज जो है इसे फॉलिकुलर फेज या प्री ओविलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। एक बार ब्लड सिक्रीशन होने के बाद तथा ओविलेशन या डिंब उत्सर्ग से पहले का जो टाइम होता है वो इस अवस्था के अंतर्गत आता है। यह स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद लगभग छठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक का समय होता है। इस अवस्था के दौरान ब्लीडिंग से होने वाले जो भी लॉसेस बॉडी को होते हैं उन्हें ठीक कर लिया जाता है, उसके पश्चात ये अवस्था आरंभ होती है। इस समय अधिक मात्रा में ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन किया जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल इस समय बड़ा होने के कारण से साइमल्टेनियसली साथ साथ यूट्रस की आंतरिक स्तर की दीवारें जो हैं वहाँ पर भी नई सेल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इस अवस्था के अंत तक यूट्रस जो है वो गर्भाशय रक्तस्राव की समाप्ति से लेकर के ओवुलेशन तक 10 दिनों तक इस समय यूट्रस के अंदर विभिन्न प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि ये एक तरीके से प्रिपरेटरी फेज है। ओवरी में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ओवरी और ओवरी के साथ साथ यूट्रस को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। अगली स्टेज ओविलेटरी फेज डिंब उत्सर्ग प्रावस्था। इस समय यूट्रस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, किंतु ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसके मैच्योर फॉलिकल के फटने से यहाँ पर ऊसाइट जो होता है वो बाहर निकलता है। ऊसाइट का ग्रेफियन फॉलिकल को छोड़कर या तोड़ कर बाहर आना ओविलेशन कहलाता है। सामान्यतः यह 28 डेज की साइकिल में लगभग 14th डे जो होता है उसको ओविलेशन डे माना जाता है। इस समय बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहता है। इस समय ग्रेफियन फॉलिकल से एग या ऊसाइट जो होता है वो बाहर आ जाता है और पीछे बचा हुआ जो ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो जिस संरचना में परिवर्तित हो जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगली फेज को सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। इसे पोस्ट ओविलेटरी फेज भी कहते हैं। यह लगभग 15th डे से लेकर के 28th डे तक होती है। इस समय ईस्ट्रोजन के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम का होने वाला पूरा डेवलपमेंट या परिवर्धन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है उसके द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन का स्रवण आरंभ कर देता है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल का बढ़ना यूट्रस की आंतरिक दीवारों को निषेचित अंडाणु यानी फर्टिलाइज्ड एग को एक्सेप्ट करने के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। यानी कि इस समय यूट्रस की जो वॉल्स हैं एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम उनका स्तर मोटा हो जाता है, सेलुलर लेयर बढ़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सेल्स में फैट्स और ग्लाइकोजन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और इस समय टिश्यू फ्लूइड जो है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। इन सारे के सारे चेंजेस का टारगेट एक ही होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो फर्टिलाइज्ड एग को
यूट्रस की वॉल्स के साथ इम्प्लांट करने के लिए, रोपण करने के लिए यूट्रस को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। चौथी प्रावस्था जो है उसे मेंस्ट्रुअल फेज या रक्त स्रावण प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि किसी कारणवश निषेचित अंडाणु का रोपण नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन रुक जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस परिस्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही ब्लीडिंग आरंभ हो जाती है। इस रक्तस्राव या ब्लीडिंग में ब्लड के साथ साथ यूट्रस की एंडोमेट्रियम से टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो डिटोरिएट होकर के साथ में बाहर आने लगती है। लगभग 4 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती है। ये उसी कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। लगभग 35 से 50 ml ब्लड और इसके साथ साथ टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं वो यहाँ पर ब्लड के साथ बाहर निकाले जाते हैं। ओवेरियन साइकिल का पहला दिन ब्लीडिंग का पहला दिन माना जाता है और इसके साथ साथ लगभग 5 दिन में ब्लड के साथ साथ यूट्रस से और बहुत सारे दूसरे जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स होते हैं वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है।